हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल कुमार है। आईटी लर्न अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें एमएस पेंट को हम किन किन तरीके से ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एमएस पेंट को ओपन करने के, जिसमें सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास में, हमें क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक करना है सर्च बॉक्स में, और सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है एमएस पेंट। और जैसे ही एमएस पेंट का आइकन हमारे सामने आ जाएगा, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और हमारा एमएस पेंट जो है ओपन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है एमएस पेंट को ओपन करने का, वो ये है कि विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, और विंडो की प्लस आर जैसे हम प्रेस करेंगे, इसमें हमें टाइप करना है एमएस पेंट, देन एंटर। इससे क्या होगा, हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा जो तरीका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, और ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है, सर्च बॉक्स में जाना है, और सर्च बॉक्स में जाने पर हमें क्या करना है, एमएस पेंट टाइप करना हो, और एमएस पेंट जैसे ही आप टाइप करोगे, यहाँ पे हमें एमएस पेंट का एक आइकन मिल जाएगा। जैसे आइकन मिलेगा, उस पर हमें क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। सिंपली हम माउस का यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे ओपन फाइल लोकेशन पर। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे इन काफी सारे आइकन्स में से हमें एक आइकन्स मिलेगा एमएस पेंट का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एमएस पेंट के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सेंड टू का एक ऑप्शन मिलता है। हमें क्या करना है, सिंपली सेंड टू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड टू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। हमें क्या करना है, सिंपली डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पर एक एमएस पेंट का शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो आप देखिए हमारे डेस्कटॉप पर एक एमएस पेंट का शॉर्टकट बन गया होगा। ये देखिए हमारा जो एमएस पेंट का आइकन है, उसका एक सॉफ्टवेयर बन गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें ना ही तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके एमएस पेंट टाइप करना पड़ेगा, और ना ही हमें विंडो की प्लस आर प्रेस करके इसके अंदर टाइप करना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली क्या करना है, सिंपली हमें डेस्कटॉप पर जो आइकन है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस पेंट जो है वो बन जाएगा। दूसरा जो तरीका है, जो हमारा एमएस पेंट का आइकन है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से। माउस का राइट क्लिक करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपन का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर जाके सिंपली माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देंगे, और ये तब भी ओपन हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमएस पेंट क्यों जरूरी है, और एमएस पेंट को हम किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले